जय श्री राम। मित्रों, मैं पंडित देव प्रकाश मिश्रा आप सभी को अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। नया साल 2023 सभी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और चुनौतियों से रूबरू होने का साल होगा। नया साल 2023 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आने वाला वर्ष होगा। सभी यह सोचते हैं कि बीते साल जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं, वे आने वाले नए साल में जरूर पूरे होंगे। नए साल पर करियर में एक नया मुकाम हासिल हो, जीवन में पैसे से संबंधित सभी तरह की बाधाएं इस साल में ना रहे और अपनों का प्यार नए साल में मिलता रहे, ऐसी उम्मीदें रखते हैं। हम सभी लोगों के मन में इस नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन दौलत, ऐशो आराम, शिक्षा, प्यार और सेहत कैसा रहेगा, इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वार्षिक राशिफल की मदद ली जाती है। वार्षिक राशिफल में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए क्या संकेत दे रहा है, जैसे कि नए वर्ष में करियर कैसा रहेगा, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसा आएगा या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानी बढ़ेगी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। तो आइए अब मैं आप सबको सिंह राशि के जातकों के लिए डिटेल में बताता हूं कि वर्ष 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, सिंह राशि के व्यक्तियों के व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक चिन्ह शेर के समान होता है। आपके राशि स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के लोगों के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है। यह लोग निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। यह लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। यह लोग बेझिझक अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। यह लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं। स्वभाव से यह लोग बहुत ईमानदार होते हैं। इस साल सिंह राशि के लिए करियर कैसा रहेगा? यह वर्ष करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दशम भाव पर स्थित राशि स्वामी शनि, जो कि 17 जनवरी से आपकी सातवें भाव पर गोचर करेंगे, व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार और नौकरी में कुछ नई उपलब्धियों को मिलने का संकेत करते हैं। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से परास्त होंगे। सिंह राशि के जो जातक नौकरी में हैं, उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के परिवार में इस वर्ष सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ राशि से सातवें भाव पर शनि वैसे परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे, लेकिन कभी कभी सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत होगी। अप्रैल तक अष्टम भाव में शनि पारिवारिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति योग कारक होंगे। संतान भाव पर उनकी दृष्टि संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए सहायक सिद्ध होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम रहेगी। छठे भाव के स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे। शनि का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की समाप्ति का संकेत देते हैं। अष्टम भाव में स्व राशि के बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलने का संकेत करते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, जिससे कि पुरानी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान ना कर सके। सिंह राशि के जातकों के लिए यह साल आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक मामलों में यह वर्ष बेहतर रहने वाला है। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं इस वर्ष बनेगी। अष्टम भाव पर अप्रैल तक विराजित देवगुरु बृहस्पति और उसके पश्चात नौम भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर कुछ आकस्मिक धन लाभ का संकेत मिलने की संभावना का संकेत करते हैं।
आपके लाभ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बुध इस वर्ष आपके लाभ और खर्चे में संतुलन बनाकर रखने वाले हैं। किसी ऐसी जगह पर निवेश कर सकते हैं जिसमें भविष्य में आपको कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। परीक्षा और प्रतियोगिता के तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह साल कैसा रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह अप्रैल तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कम कर पाएंगे। अप्रैल के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उनके पंचम भाव पर होगी तब वह अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे पाएंगे। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष वरदान साबित हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय है जिसको सभी जातकों को करना चाहिए। सिंह राशि वाले सूर्य को मजबूत बनाने के लिए नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाएं। रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ आदि का दान करें। निर्धन व्यक्तियों की मदद करें, पिता की सेवा करें। ऐसा करने से सूर्य शुभ होते हैं। मित्रों, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।